आप सभी को जय मसीह की, खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड Jesus क्राइस्ट मेरे भाइयों मेरी बहनों <coughs> जितने भी लोग आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे आप भारत से हैं या आप भारत के बाहर से हैं मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ <coughs> आज मैं बड़े आनंद के साथ विथ विथ जॉय एक बड़े आनंद के साथ आज मैं आपके सामने दो अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी और मैं बिलीव करता हूँ कि जो ये दोनों इवेंट्स जो एक ऑलरेडी चालू है और एक आने वाला है मुझे विश्वास है कि इससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी मैं सबसे पहले आज मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने आप सभी जानते होंगे कि मैंने कुछ समय पहले यूट्यूब पर और ज़ूम पर और मैंने फेसबुक पर हर जगह पर ये बात कही थी कि हम बहुत जल्दी रेवलेशन प्रकाशित वाक्य मुकाशवा पे स्टडी चालू करेंगे मैं आज आप में से हर एक को ये इतला करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली आपको प्रभु की एक दासी का जो परमेश्वर को बहुत ही गहराई से जानते हैं समझते हैं और वो ख़ुदा के साथ चलते हैं मैंने रिसेंटली आपको एक प्रभु की दासी का एक चैनल मैंने रिकमेंड किया था कि आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और देखें और इस चैनल का नाम है द स्पिरिट एंड द ब्राइट सेस कम उन्होंने रेवोलेशन के ऊपर बहुत अच्छी स्टडी की है और मैं यहाँ से मैं भी कर रहा हूँ और हम दोनों ने अपनी स्टडी को एक करके हमने डिसाइड किया है कि हम जुलाई 15 से आने वाले दिनों में 2021 जुलाई 15 के बाद रेवोलेशन के हर चैप्टर को एक से लेके कर बाईस तक वन से लेके 22 ट्वेंटी टू तक हम वीडियोस बनाएंगे इन वीडियोस की लेंथ 15 से 17 या 20 मिनट तक हो सकती है और हर चैप्टर में क्या विशेष है हमारे लिए हम उस वीडियोस में आपको रिवील करेंगे और अगर आपको इस चैनल की जानकारी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक है जिसका नाम है द स्पिरिट एंड ब्राइट सेज कम आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ और आप जाइए और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियोस जो हम डालने वाले हैं वहाँ पर आपको मिल सकें ये कंबाइन स्टडी है जो हम एक ही वीडियो में डाल रहे हैं ये सिर्फ मेरा नहीं है ये परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मुझे और उस प्रभु की दासी को जो उन्होंने दिया है हम मिक्स करके उस वीडियो को हम रिलीज़ करने वाले हैं और मैं बिलीव करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में ब्लेस्ड होंगे दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्च बंद होने के कारण हम जूम पे मिल रहे हैं मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि हम ट्यूसडे, फ्राइडे संडे शाम के टाइम सात से लेकर साढ़े तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लाइव मीटिंग्स लेते हैं तीन हजार लोगों के लिए ये प्लेस रखी गई है मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वेलकम करता हूं आपको सिर्फ एक काम करना है आपको सिर्फ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद हमारा एक चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको जस्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमारी जो नीचे लिंक है उसको क्लिक करना है आप ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगे हमारे ग्रुप में और आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे ज़ूम की लिंक मिलेगी आर्टिकल्स मिलेंगे कोट्स मिलेंगे वीडियोस मिलेंगे और सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेगी तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। अब आइए मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं जानता हूं कि आज के वचन की ज़रूरत हम सभी को है क्योंकि वेबीचार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर व्यक्ति कमज़ोर है इसीलिए बाइबल कहाँ नहीं कहती कि व्यभिचार से लड़ो बाइबल बताती है व्यभिचार से भागो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन है बाइबल बताती है यूसुफ भागा था पॉल तिमुथुस को कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और उनके साथ संगति कर जो शुद्ध मन से प्रभु की इबादत करते हैं प्रभु की आराधना करते हैं पर आइए इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं मैं हमेशा की तरह आपको 10 से 15 मिनट एक छोटा सा वर्ड मैं वर्ड को मैं कौंसिल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पर ध्यान दें इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है जिसे मैं 10 मिनट एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको एक छोटी सी वर्ड के ऊपर काउंसलिंग देना चाहता हूं और उसके बाद मैं एडल्ट्री के टॉपिक पे आपसे बात करूंगा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और इस समय आपके स्क्रीन पर वर्ड है जॉन चैप्टर वन यहुन्ना का एक अध्याय और उसका सत्रह वचन इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची आपने इस वचन को अपने कलीसिया में पर्सनल बाइबल स्टडी में यूट्यूब पर या कहाँ पर भी कई बार सुना होगा कि के लॉ केम थ्रू मोजिस व्यवस्था कानून दस आज्ञाएं मूसा के द्वारा आई शरीयत मूसा के द्वारा आई पर बाइबल बताती है अनुग्रह जो फजल है ग्रेस है वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में आई है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को बाइबल बताती है पॉल ने कहा मैंने तुम्हारे बीच में अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार किया है द गॉस्पल ऑफ ग्रेस याद रखिए आपको और मुझे हर पाप पर हर कमजोरी पर जय पाने के लिए विक्टोरियस होने के लिए आप जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग शारीरिक पापों से बाहर निकले हैं लेकिन मन में होने वाले पाप जैसे कि नफरत गुस्सा किसी के लिए नफरतें रखना जलन रखना मन में होने वाले पापों से आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहां लिखा गया है कि व्यवस्था जो थी दस आज्ञाएं जो थी वो मूसा के द्वारा आई थी मैं आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप इस समय कैमरा किस तरफ देखिए इस समय मेरे हाथ में ये जो मैंने अपने उंगलियों से जिन पेपर्स को पकड़ा है ये न्यू टेस्टमेंट है और मैं आपको बताना चाहता हूं अब जब मैं पकड़ रहा हूं ये इतना मोटा हिस्सा ये पुराना नियम है इट्स अ ओल्ड टेस्टमेंट आप इन दस आप इस पूरे पुराने नियम में एक चीज बार बार पढ़ोगे और वो है व्यवस्था इंग्लिश में लॉ लॉ ऑफ मोजिस और शरीयत उर्दू में आप जानते होंगे कि पुराने नियम में एक दिन मूसा पहाड़ पर गया और वहां से पत्थर पर लिखी हुई दस आज्ञाओं को ले आया और उसने वो इज़राइल को दी और उसने पूरी तरह उस आज्ञाओं पर चलने के लिए उसने इंस्पिरेशन दी आप मुझे बताइए कौन उन आज्ञाओं पर चल पाया मुझे बताइए नो no डाउट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हद तक कामयाब रहे लेकिन पूरी तरह से नहीं आप पुराने नियम में देखिए दाऊद जो जिसने व्यभिचार किया हत्या की उसके बेटे सुलेमान को देखिए जिसने बहुत सारी शादियाँ की और बहुत सारी स्त्रियों के साथ गंदे संबंध रखे आप महान राजा यहूषा के लिए पढ़ सकते हो जो अपने अंतिम दिनों में बैकस्लाइड हुआ आप और भी बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ सकते हो राजाओं की किताबों में कि कैसे वो डिक्लाइन हुए कैसे वो नीचे हुए भले ही इब्राहम के टाइम पे व्यवस्था नहीं थी लेकिन इब्राहम भी एक वैसी जिंदगी नहीं जी पाया जो परमेश्वर हमेशा से चाहता था आप जानते हो कि उसने झूठ बोले उसने अपनी पत्नी की गलत एडवाइस पे ध्यान देके खुदा को निराश किया आप इसक के लिए पढ़ सकते हैं कि मरने से पहले वो पेटूसा हो गया था कि अगर जब तक मुझे ये खाने को ना मिले मैं ब्लेस नहीं करूँगा आप याकूब को दे सकते हो जो पूरी ज़िंदगी गुनाह करते गया और जब उसे खुदा से मुलाकात हुई तब उसमें बदलाव आया आप मुझे बताइए जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं मोजिस के लिए बार बार नो no डाउट ये एक महान सेवक था लेकिन कमजोरियां भी उसमें थी आप इब्राहिम के लिए पढ़िए इसक के लिए पढ़िए याकूब के लिए पढ़िए मूसा के लिए पढ़िए दाऊद राजा के लिए पढ़िए सुलेमान के लिए पढ़िए इवन आप बहुत सारे राजाओं के लिए पढ़ोगे कि उन दिनों में उन्होंने वह किया जो प्रभु की नजर में बुरा था आप मुझे बताइए जिस परमेश्वर ने उन्हें दस आज्ञाएं दी क्यों उनमें से वो चल नहीं पाए मुझे बताइए याद रखिए व्यवस्था का मतलब लॉ का मतलब सिर्फ दस आज्ञाएं नहीं है अगर कोई आपको ये कहता है कि ये दस आज्ञाएँ हैं ये एक लॉ है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अधूरी प्रीचिंग है एक्चुअली व्यवस्था की पूरी मीनिंग जानते हैं क्या है अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ लूँ कि जो पुराने नियम में लिखा गया है वो क्या है तो सबसे बड़ी बात वहाँ ये है कि परमेश्वर ने उन्हें दस आज्ञाएं ज़रूर दी लेकिन उन दस आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रभु ने कभी उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया लॉ नहीं दी लॉ क्यों लॉ को फॉलो करने के लिए हेल्प नहीं आई लेकिन नए नियम में बाइबल बताती है ईशु अपने साथ अनुग्रह लाया मूसा अपने साथ व्यवस्था लाया अनुग्रह नहीं लाया पवित्र आत्मा नहीं लाया लेकिन जब यीशु मसीह आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं वह जो, जिसने पुराने नियम में मूसा को अपनी व्यवस्था दी वही परमेश्वर अब एक नई व्यवस्था एक नए अनुग्रह के साथ लाया और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप अनुग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज जान लीजिए अनुग्रह सिंपली परमेश्वर की मदद है इट्स हेल्प ऑफ गॉड यह इस तरह है कि मैं खड्डे में हूं और मैं प्रभु को कह रहा हूं प्रभु मेरी मदद कर और प्रभु अपना हाथ मुझे दे रहा है इस चीज को कहते हैं अनुग्रह अगर हो सके तो इस समय मेरे हाथ को देखिए सोचिए ये मेरा हाथ है और मैं हेल्प के लिए कह रहा हूँ प्रभु मैं खड्डे में हूँ मुझे निकाल और जैसे परमेश्वर मेरा हाथ थाम ले इसे कहते हैं अनुग्रह ग्रेस, हेल्प ऑफ गॉड मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे पास अपना सहायक भेजूँगा मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखिए पुराने नियम में जो परमेश्वर ने कहा प्रभु ने कहा इसे अपनी ताकत से चल के दिखाओ लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अब मेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए आओ उसने एफर्ट्स पे जोर नहीं दिया अब उसने कहा आओ और समर्पण करो और मैं तुम्हें अनुग्रह दे दूंगा अब जानते हैं परमेश्वर किन की मदद करता है कमजोरियों से बाहर आने के लिए तकलीफों से बाहर आने के लिए मन में होने वाले पापों से गुनाहों से बाहर आने के लिए उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की वो सहायता करता है जिसने समर्पण किया है जिसने अपने जिंदगी को खुदा के सामने इस तरह रखा है कि प्रभु मैं आपकी सारी बातें जानता हूं लेकिन मुझे ताकत नहीं है कि मैं उस पर चल पाऊं मैं आज आपके सामने समर्पण करता हूं मुझ पर दया कर मुझ पर रहम कर प्रभु और मुझे अपनी आज्ञाओं पर चलने की ताकत दे खुदा ऐसे लोगों को अनुग्रह देता है फजल देता है आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग मार्टिन ल्यूथर को जानते हैं आप जानते हैं मार्टिन ल्यूथर अपने दिनों में अपने आप को मारता था पीटता था छुरी से अपने आप को धार करता था काटता था क्योंकि मार्टिन ल्यूथर से पाप होता था और वो दोष में आकर अपने आप को मारता था एक दिन उनके आत्मिक पिता ने उनके मेंटर ने उनसे बातें की और कहा मार्टिन जोर जोर पे जोर लगाना बंद कर समर्पण करना सीख और तो जीत जाएगा और यह लाइन उसने मार्टिन लूथर की जिंदगी को बदल दिया पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को कानून दिए थे अनुग्रह नहीं दिया था नए नियम में परमेश्वर ने लोगों को कानून के साथ अनुग्रह भी दिया है और वह अनुग्रह उनका है जो उसके सामने समर्पण करते हैं और अनुग्रह कुछ और नहीं परमेश्वर का मदद वाला हाथ है कि परमेश्वर एक पापी को खड्डे में से बाहर निकालता है अपने अनुग्रह से मेरे भाइयों मेरी बहनों इस अनुग्रह की पूरी आशा करें खुदा आपको जरूर देंगे आइए ये समय है परमेश्वर के वचन में आने का और आज आप सभी जानते हैं कि आज के वीडियो का नाम है क्या पास्ट में किया गया वे विचार हमें सता रहा है थॉट्स हमें तंग कर रहे हैं अगर हाँ आपके साथ भी ऐसा है तो कृपया इस वचन को अंत तक सुने और मैं बिलीव करता हूं खुदावन आज, आज आपको इन खड्डों से बाहर निकालेगा आइए मेरे साथ खोलिए सेकेंड कुरेंथियो और उसका दूसरा अध्याय वन कुरंथिन चैप्टर टू वर्स लेवन मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पहले खोल लीजिए सेकेंड कुरेन्थियो उसका दूसरा अध्याय उसका ग्यारह वचन हम पहले दुआ करेंगे और उसके बाद हम इस वर्ड को स्टार्ट करेंगे हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं प्रभु एक बार फिर से अपने हाथों को तेरी ओर फैलाकर, हम हम तो तुझसे मांगते हैं कि हम पे दया कर तेरी दया ने लूत को बचाया तेरी दया के द्वारा ही मूसा तुझे देख पाया तेरी पीठ को देख पाया बिर ने अपनी तेरी दया से ही आंखें पाई आज हम पर भी दया कर हे दाऊद की संतान हम पर दया कर हम पर रहम कर हम तुझ तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारा शरीर हमें सपोर्ट नहीं करता लेकिन आज तू हम तक पहुंच, हमसे मुलाकात कर प्रभु जी और आज के वचन से हमसे बात कर हर वो व्यक्ति जो इस समय प्रभु इस वीडियो को देख रहा है सारी वो गंदी आत्माएं जो वर्ड को डिस्टर्ब करती हैं उन्हें सुनने में रोकती हैं यीशु के नाम से हमारे घरों से चले जाए प्रभु जी हमें आशीष दे यीशु के नाम में आमेन आमेन और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं दो अध्याय का ग्यारवा वचन कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर उर्दू हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है और मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों पौलुस की बनाई हुई कलीसियाओं में अगर किसी कलीसिया में अधिक से अधिक पाप था तो वो थी कुरेंथियो की कलीसिया कुछ ऐसे काम वहां पर होते थे जो बहुत ही बुरे थे और उनमें से एक पाप था व्यभिचार और पॉल ऐसी कलिसिया को कहता है कि तुम्हें डेविल की ट्रिक्स को उसके प्लांस को समझने की नीड है मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आप में से हर उस व्यक्ति से आज बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से जिनसे पास्ट में व्यभिचार हुआ आपने पॉन वीडियोस देख लिए आप किसी गंदे संबंध में थे लेकिन आप इन दिनों में बाहर आ चुके हो या ऐसा हो सकता है कि आप मैरिट होने के बाद भी कुछ गुनाहों में गिरे हो और आपने वो सारे काम बंद कर दिए हैं लेकिन आपके मन से वो बातें नहीं निकलती और वही सारी बातें आपको खींच खींच कर वापस पापों में ले जाती है हो सकता है कि आप इस समय जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे पास्ट में वे विचार हुआ हो या आपने पास्ट में कुछ गंदे वीडियोस देखे हैं या हो सकता है कि आपने पास्ट में एक रिलेशनशिप रखा था आप वहाँ से बाहर आ चुके हैं लेकिन वो बातें आपके अंदर से नहीं जा रही या हो सकता है कि आप जब दुआ करते हैं और रात को सोते हैं तो गंदे गंदे सपने अशुद्ध सपने आपके अंदर आते हैं हमेशा याद रखिए शैतान आपका फ्यूचर नहीं जानता ही डोंट नो लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि डेवल आपके पास्ट को जानता है उसके पास हर वो रिकॉर्ड है आपके पास का जो आपके साथ हुआ है और वो कई बार हमारे पास्ट को यूज करता है हमें प्रेजेंट टाइम पे गुनाहों में गिराने की और याद रखिए व्यभिचार बदन के लिए एक चकमक की तरह काम करता है आप जानते हैं हमारे बदन को ये पाप बहुत पसंद है क्योंकि हमारे बदन को ये पाप बड़ा मीठा लगता है इसीलिए जब भी हमें ये ख्याल आते हैं जो हमने किया था या हमने कुछ देखा था तो आपने देखा होगा कि नचाते भी आपके अंदर कुछ बातें घुस आती हैं कई बार जब आप बिछोने पर आपको सोते हैं पलंग पे आप देखिए आपके अंदर कैसे कैसे ख्याल आने लग जाते हैं उसके बाद अपना अपना सेलफोन उठाते हो और आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपको नहीं देखना चाहिए आज मैं काउंसलिंग नहीं परंतु आज मैं इसके ऊपर पूरा प्रचार करना चाहता हूं कि ये क्या है सबसे पहले आप अपनी तकलीफ को समझिए जो आपके साथ हो रहा है याद रखिए शैतान आपके पास्ट को जानता है और वो जरूर आपके पास्ट को लेकर आपके सामने आएगा ताकि वही वही पाप आप दोबारा करते रहें और कई बार आपको एक एक अंदर आपके अंदर एक वो बात डाल देगा कि आज आखिरी बार कर ले कल से फास्टिंग करना प्रेयर करना कल से छोड़ देना मुझे एक बात बताइए जो व्यक्ति आज कंट्रोल नहीं कर पाया वो कल कैसे करेगा नॉट पॉसिबल मैं आज आपको बाइबल मुकद्दस से एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने ले आना चाहता हूं जरा देखिए कुछ ही टाइम में वो कितनी बार गिरा और प्रभु ने उसके साथ क्या किया मैं बिलीव करता हूं कि आज का संदेश उम्मीदों से भरा हुआ है होप से भरा हुआ है आप जानते होंगे कि ईशु ने सबसे पहले जिस चेले को अपने पास बुलाया था उसका नाम था पतरस बाइबल बताती है कि पतरस अपनी बोट में जैसे वो रोज जाता था अपनी बोट में गया मछलियां पकड़ने के लिए पर बाइबल बताती है उसे कोई मछली नहीं मिली थक कर हार कर सौ जगहों पे जाल फेंक फेंक कर जब उसे कुछ नहीं मिला तब वो सवेरे आया और उसने क्या देखा जिस किनारे पर वो आया वहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे और जैसे यीशु ने प्रचार पूरा किया आप देखिए एक जगह तो ऐसा भी बताया गया है कि एक्चुअली जीसस ने उसकी बोट मांगी थी और वहीं पर खड़े होकर प्रचार किया था एक गॉस्पल ऐसा भी बताता है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह कॉन्सेप्ट नहीं है आज लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे पतरस को पत, जैसे पतरस ने प्रभु को अपनी बोट दी प्रभु ने उसे बोट भरकर दे दी याद रखिएगा खुदावन उन्हें भरता है जो अपना खालीपन उसे देते हैं आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया पत्र से अपनी खाली बोट उसे दी थी पर खुदावन ने उसे भर के दी आप में से जो व्यक्ति अपना खाली जीवन उसे देगा वो उसे भरेगा आज देखिए बहुत सारे लोगों को प्रभु भर नहीं पा रहा क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ जीवन ही उसके पास लेके आते हैं वो एक प्रेयर नहीं करते हैं जस्ट वो अपनी डेली रूटीन में जीते हैं वो ऐसे मन खुदा के सामने लेके जाते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हैं और सिर्फ खुदा को कहते हैं तेरा धन्यवाद तूने दिया पर कितने लोग हैं हर दिन अपने आप को प्रभु के सामने खाली करते हैं अपनी कमजोरियाँ उसके सामने उंड़ेलते हैं अपने शॉर्टकमिंग्स उसके सामने उंड़ेलते हैं और बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझे आज भी कुछ नहीं आता मुझे भर और मुझे सिखा परमेश्वर भरे हुए जीवन को नहीं पर एक खाली जीवन को भरता है इसीलिए काना में जो मटके खाली हुए खुदावन ने उन्हें भरा एलिशा उस मटके में तेल भर रहा था विधवा को कहकर जो खाली हो चुके थे मेरे भाइयों मेरी बहनों पतरस को मछलियाँ मिली और बाइबल बताती है पतरस ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे हो लिया प्रभु के पीछे चलते 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 आप देखिए उसने एलिया और मूसा से मुलाकात की उसने दूर से उन्हें देखा पहचान लिया आप देखिए पतरस ही वो व्यक्ति है जिसे वादा किया गया कि उसके ऊपर कलीसिया बनेगी आप देखिए वो व्यक्ति है जो पानी पे चला पतरस वो व्यक्ति है जिसके साथ यीशु घर गया उसके और उसकी सांस को उसने चंगा किया और पतरस चेलों में से पहला व्यक्ति है जिसने ईशु को कहा कि आप परमेश्वर के बेटे मसीह हैं एक दिन यीशु ने उसे साफ साफ कहा कि मैं मरूंगा गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा इसी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा मैं आपके साथ बंदीग्रह में जाने के लिए तैयार हूं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन यीशु ने कहा तू मेरा इनकार करेगा और बाइबल बताती है कि एक टाइम ऐसा आया जब पतरस जब जीसस अरेस्ट हुआ इसी पतरस ने डर में आकर वो जानता था इस टाइम पे ये कहना कि यस मैं जीसस के साथ हूं अपनी मौत को दावत देना है और इसी पतरस ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता कुछ समय के बाद आप देखिए करीबन कुछ समय के बाद पतरस ने फिर से कहा मैं उसे नहीं जानता और कुछ समय के बाद पतरस ने फिर से कहा कि मैं उसे नहीं जानता क्या आप में से हर एक को एक चित्र दिख रहा है बार बार यह व्यक्ति पाप में गिर रहा है इस बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह जानते क्या है इस बाइबल का यीशु का इनकार करना क्या कहा प्रभु ने जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेंगे मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका भी इनकार कर दूंगा अकॉर्डिंग टू बाइबल सबसे बड़ा पाप जानते क्या है अविश्वासियों के लिए गॉस्पल रिजेक्ट करना और बिलीवर्स के लिए दूसरों के सामने एक सीक्रेट बिलीवर की तरह रहना पतरस ने क्या किया इनकार किया आज भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से इनकार करते हैं बैग में छुपा के बाइबल लेके जाते कोई उनसे पूछता है कहां गए थे हम तो यहीं पास में गए थे जबकि वो चर्च गए थे मेरे भाइयों मेरी बहनों बाइबल साफ कहती है जो मेरा इनकार करेंगे वो परमेश्वर के सामने मैं भी उनका इनकार करूंगा इवन द बाइबल से इस लास्ट डेज में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से उसको डिनाय करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने जीसस को मान लिया तो हमारे ऑफिस में कुछ इश्यूज होंगे हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये पार्टी में नहीं आता ये बियर नहीं पीता ये ड्रिंक नहीं करता ये ये नहीं करता लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि तुम धर्म बदल चुके हो तुम्हें पैसे मिले हैं मसीह बनने के वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर हमने जीजस को एक्सेप्ट करने का पब्लिकली हमने अगर कह दिया तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा इसलिए वो उसका इनकार करते हैं पतरस ने भी उसका इनकार किया कुछ ही समय में तीन बार वो व्यक्ति सेम गुनाहों में मरा वो सेम गुनाहों में गिरा और आत्मिक तौर पे मरा आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ जब पतरस ने उसका इनकार किया तो बाइबल क्या बताती है कुछ समय के बाद यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए मरने के बाद बाइबल बताती है कि उन्हें एक नई कब्र कब्र में रखा गया और उसके बाद क्या हुआ बाइबल मुकद्दस कहती है उसे नई कब्र में रखने के बाद जब तीसरे दिन कुछ बहने अपने हाथ में इत्र अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर जब वहां पर जा रही थी तो जैसे वहां पर गई आप देखिए पत्रस के बारे में स्वर्गदूत ने क्या कहा मैं एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं और ये वर्ड है मरकुस 16 अध्याय जब वो बहने यीशु मसीह के शरीर को देखने के लिए और उसके ऊपर इन खुशबूदार चीजों को उंडेलने के लिए जब गई थी तो देखिए एक स्वर्गदूत ने उन्हें क्या कहा मरकुस सोलह अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं सात वचन सोलह सात परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा जैसे तुमसे कहा गया था वह तुम्हें तुम वहीं उसे देखोगे अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं पतरस ने पाप किया अब पतरस कहीं और है जीसस क्रॉस पे मर चुका है जी उठा है और जैसे वो बहने वहाँ पर उसके बॉडी को देखने के लिए और उन चीज़ों को उसके बॉडी पे डालने के लिए वहाँ पर गई थी वहाँ पर लिखा है जीसस की बॉडी नहीं थी वहाँ एक दो एंजल बैठे हुए थे मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ जीसस का सर था और जीसस का जहाँ पैर थे उन्हीं प्लेसेस पे वो बैठे हुए थे लिखा है एक पैराने और एक सिरहाने वहां बैठे हुए थे और वो वो लोग कहते हैं जाओ उसके चेलों को और पतरस से कहो वो जी उठा है मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है जाओ जिसने पाप किया उसे जाके कहो वो तुझसे मिलना चाहता है आप जानते हैं जो पतरस से हुआ उसका पास था पूरी बाइबल के अंदर दो चेले हैं जिनको प्रभु ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया एक है पतरस और एक है पॉल इन दोनों का पास्ट बहुत ही खतरनाक था पॉल विश्वासियों को पकड़ पकड़ के मारता था जेल में डालता था और पतरस ने उसका तीन बार इनकार किया और खुदावन ने ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की वो पॉलुस से भी मिला वो पतरस से भी मिला वे माफ किए गए वे आत्मा से भरे गए और खुदावन ने उनका उपयोग किया आप जानते हो यहां पर पतरस ने पतरस के लिए क्यों लिखा गया है कि जाओ उसे कहो मैं जी उठा हूं और मैं उससे मिलना चाहता हूं क्योंकि पतरस उन दिनों में निराश था पतरस कहां ना कहा अपने आप में ये सोच रहा था कि मैंने ये क्या किया आप यह इक्कीस अध्याय पढ़ के देखिए पतरस ने होप छोड़ दी थी कि मैं उसका चेला हूँ पत्रस 21 अध्याय यह में लिखा है कि वो वापस वहाँ पर अपने काम में चला गया था और चेलों को भी ले गया था मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ आपके ज़िंदगी में पास्ट में कुछ पाप हुए होंगे आपने व्यभिचार किया होगा शायद पॉन वीडियोस देखे होंगे किसी गलत संबंध में आ गए होंगे और आपने गंदा किया होगा और वो चीजें आज तक आपको सताती हैं। मैं आपको सबसे पहले आज एक परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहता हूँ पतरस से भी हमसे बुरे पाप हुए थे लेकिन ईशु ने उसे मुलाकात की और ईशु ने उससे बात की ईशु ने तीन बार उससे पूछा क्या तुम उससे प्रेम करता है और उसके बाद क्या हुआ यही पत्रस पेंटिकॉस के दिनों में बैठा उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और इसी पतरस ने प्रचार किया तीन हजार लोग बिलीव में आ गए इसकी छाया से लोग ठीक होते थे मुर्दे जिलाए जाते थे मैं आप में से हर भाई बहन को कर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों जो आपके साथ हुआ वो एक आपका भूतकाल था वो आपका एक पास था आज वही स्वर्ग का परमेश्वर आप में से हर एक को कहना चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे माफ करना चाहता हूं मेरे पास आ मैं तुझे माफ करूंगा मैं तुझे साफ करूंगा मैं तुझे अपनी आत्मा से भरूंगा और मैं तेरा उपयोग करूंगा मैं आप में से हर जवान भाई बहन को आज के वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने आप को कंडेम फील करना बंद करो अपने ऊपर दोष लगाना बंद करो कि मैं कहां कुछ बढ़ सकता हूं मैं तो गिर चुका हूं मेरी दुआएं कहां से सुनी जाएंगी खुदा आज भी आपसे प्यार करता है वो आज भी आपसे मोहब्बत रखता है और याद रखिए उसकी प्लानिंग इतनी कमजोर नहीं है कि आपका एक पाप उसकी प्लानिंग को चेंज करे क्या कहती है बाइबल याकूब से जब तक मैं अपना किया अपना कहा हुआ वचन पूरा न करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं ईशु के नाम से कहता हूं जब तक वो अपना काम आपसे पूरा नहीं करता वो आपको नहीं छोड़ेगा ईशु पतरस से मिला सब कुछ बदल गया सब कुछ चेंज हो गया मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने आप को कंडेम फील मत कीजिए उठिए यह समय बैठने का नहीं है यह समय अपने आप पे दोष लगाने का नहीं है उठिए वापस घुटनों पर आइए वापस कलाम पढ़िए वापस फास्टिंग करना स्टार्ट कीजिए वापस संगति कीजिए खुदा आपको आपको उठा, उठाएगा खुदावन आपका उपयोग करेगा और मैं हर उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं जो इन दिनों में अपने पास्ट में किए गए गुनाहों से स्ट्रगल कर रहा है दो काम करें दो काम फर्स्ट कुछ दिन फास्टिंग कीजिए एक दिन छोड़ के एक दिन एक दिन छोड़ के एक दिन और उन फास्टिंग के अंदर प्रभु को एक ही बात कहिए प्रभु मेरे अंदर जितने भी बंधन हैं बॉन्डेजेस हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन चुके हैं वे विचार के उन्हें ध्वस्त कर उन्हें तोड़ उन्हें खत्म कर और दूसरी चीज गिलातीयो दो बीस का वचन याद कीजिए मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ाया गया हूँ अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है जबी भी आपका बदन आपको तंग करे, फास्टिंग कीजिए एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ दिन स्टार्ट कीजिए आपके बॉडी के अंदर से सारे बंधन टूटेंगे मन के अंदर बंधन टूटेंगे और जब भी आप देख रहे हो कि आपको गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं शैतान से कहिए हे hey, शैतान मुझसे दूर हो मैं मसीह के साथ क्रूज पर चढ़ाया गया हूं अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है और मैं आपको कहना चाहता हूं आप पास्ट में किए गए गुनाहों के थॉट्स जो आपको आते हैं आप उस पर विक्ट्री पा लेंगे क्योंकि प्रभु आज भी आपके साथ है मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं Come, प्रभु आपके साथ है बंद करने से पहले एक ऑसम awesome स्टोरी आपको बताना चाहता हूं यह अंकल बिलीग्राम की है एक दिन अंकल बिलीग्राम जो थे कहां पर प्रीचिंग कर रहे थे लाखों लोग उस स्टेडियम में थे उन्होंने टेस्ट भी नहीं बताई वहां पर एक लड़के की जो अमेरिका में रहता था उस लड़के को छोटी सी उम्र में ही ड्रग्स लेने की आदत हो गई घर से पैसे चुराता था कई बार दोस्तों से उधार लेता था कई बार वो गलत बातों में से निकल नहीं नहीं पा रहा था और तरह तरह के काम करता था ताकि उसे पैसे मिले और वो ड्रग्स ले सके एक दिन उस लड़के ने एक दुकान में जाकर गोल्ड की एक चीज़ चुराई लेकिन वो चुरा नहीं पाया वो पकड़ा गया और अगले ही पल वो जेल में था और उसे दो साल की सज़ा मिली अंकल बिलीग्राम इस तरह बता रहे थे कि जब उसकी सजा के पूरे होने में मात्र छ महीने पड़े हुए थे तब उसने उन पेरेंट्स को जो उससे बड़ा परेशान थे क्योंकि इस लड़के ने बहुतों से पैसे लिए थे और वो लोग इसके माँ बाप को परेशान कर रहे थे और उसने अपने माँ बाप को एक लेटर लिखा उस लेटर में उसने ऐसा लिखा कि मैं मैं जेल में हूँ और यहां पर जेल में मुझे जीसस के बारे में पता चला है अब मैं वापस कभी ड्रग्स नहीं लूंगा क्या मैं घर आ सकता हूं इस लेटर का उसने आंसर आने का उसने वेट किया पर उसे कोई आंसर नहीं आया तीन महीने के पहले जब उसकी सजा के खत्म होने में तीन महीने मात्र थे तब उसने एक और लेटर अपने घर में लिखा और सेम चीजें दोहराई कि क्या मैं घर आ सकता हूं इस लेटर का भी कोई रिप्लाई नहीं आया और जब मात्र पंद्रह दिन बचे हुए थे उसने अपने एक और लेटर में सेम बातें लिखी लेकिन उसने एक चीज उसमें ऐड की बोला मैं घर आना चाहता हूं अगर घर के बाहर एक येलो फ्लैग पीला झंडा लगा हुआ होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा वेलकम कर रहे हो अन्यथा अदरवाइज मैं वहां से चला जाऊंगा और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाऊंगा जिस दिन वो अपने अपनी जिंदगी से रिहा होकर उस जेल में से वो बाहर आया और जब वो घर की तरफ जा ही रहा था उसके दिमाग में एक ही बात थी क्या एक पीला झंडा मेरे लिए लगा होगा और आप जानते हैं जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने क्या देखा उसके गरी घर गर, गर से एक किलोमीटर तक पूरे के पूरे येलो फ्लैक्स लगे हुए थे उसके माँ बाप ने उसका वेलकम किया था प्रेज करने के बाद बिली ग्राम ने लास्ट में कहा आप में से कितने लोग हैं जो इन दिनों में अपने घर से बाहर हैं खुदावन की हुजूरी से बाहर हैं आपको ऐसा लगता है कि खुदा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा बिली ग्राम अंकल ने उसके बाद कहा आज सबों के लिए स्वर्ग में पीले झंडे लगे हैं कम टू जीजस क्राइस्ट मैं आपको वही संदेश देना चाहता हूं जो अंकल बिली ने दिया आज खुदा एक बार फिर से आपको वेलकम कर रहा है कम माई सन कम माई डॉटर वो आपसे प्यार करता है उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने अंदर दोष मत लगाइए वो एक पास था जो आपका निकल गया अब प्रभु से कहिए खुदा तेरे इस मोहब्बत के कारण मैं तेरे साथ और चलूंगा तेरे और करीब आऊंगा तुझे और विश्वास होके दिखाऊंगा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेट्स प्रे पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में रहम कर खुदा सब पर दया कर प्रभु मैं मांगता हूं मेरे परमेश्वर मेरे सारे भाई बहनों के लिए खुदावन हम सब गुनाह कर चुके हैं खुदावन हम सब से पाप हुए हैं हमें माफ कर दे हम पे रहम कर दे एक बार फिर से हमें उठा और हमें जिला हम तुझसे विनती करते हैं हम जानते हैं अब तेरी दया हमारे गुनाह से बहुत बड़ी है हमारा कोई पाप तेरे प्लान को फेल नहीं कर सकता हम अपने हाथों को फैला के तुझसे कहते हैं हमें माफ कर और फिर से उठने में हमारी मदद कर जैसे तू पतरस से मिला वैसे तू आज हमसे भी अपने वचन के द्वारा मिला है मुझ पर रहम कर प्रभु मेरे भाई बहनों पर भी रहम कर मैं, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग जरूर इस वचन को सुन के रोए होंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों आज उदासी का दिन नहीं है आज खुशी का दिन है एक बार फिर से उसका पैगाम हम तक पहुंचा है कि वो हमसे दूर नहीं है मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं प्रभु आपसे प्यार करता है मैं दुआ करता हूं खुदावन हर एक को तू ब्लेस कर हर एक को तू आशीष दे मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना है यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर जिलाया होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों खुदा वन आपके साथ है वो आपसे प्रेम करता है और याद रखिए उसने आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है अपने ऊपर दोष न लगाएं हर व्यक्ति गुनाह में गिरा है किसी का पास अच्छा नहीं है सिर्फ फर्क इतना है वो कहीं और गिरे हैं हम कहीं और गिरे हैं मैं चाहता हूं हम एक ऐसी सेना बने जो अपने कामों पर नहीं परंतु उसके प्रेम पे भरोसा करके चले हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उसने हमें स्वीकार किया है हम स्वीकार किए गए हैं मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं बिलीव करता हूं कि ये वीडियो परमेश्वर हर मसीह तक ले जाएगा और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन हो सकता है पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं गुनाह हुए हैं लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको कहता है मैंने तुझे माफ किया है लौटा मैं तुझे तो आत्मा से भरूंगा मैं तेरा उपयोग करूंगा और तेरी तेरा कोई भी गुना मेरे प्लान को कैंसिल नहीं कर सका है प्रभु के पास आज भी आपके लिए की योजना है आज उसके इस प्रेम के कारण और उसके करीब जाइए और उसके करीब जाइए मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने ज़रूर ब्लेसिंग पाई होगी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और हो सके तो आज कमेंट बॉक्स में एक बात लिखिए मैं माफ़ किया गया हूँ मैं स्वीकार किया गया हूँ यीशु मसीह की जय है अगर हो सके तो आज अपने कमेंट्स में ये लिखिए मैं माफ़ किया गया हूँ मैं स्वीकार किया गया हूँ यीशु मसीह की जय मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ज़रूर आज आशीष पाई होगी बंद करने से पहले मैं आपको ज़रूर एक बात कहूँगा दूसरों तक राशन पहुँचाना विधवाओं तक राशन पहुँचाना अनाथ बच्चों तक राशन पहुँचाना उनके फ़ीस के लिए प्रबंध करना यदि आप इस सेवकाई में हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको अपना अकाउंट नंबर भेज देंगे हम सारी बातों के लिए प्रभु की शुक्रगुज़ारी खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं